नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंख ध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इसे लोग श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जानते हैं। इस विशेष दिन पर साधक खुद को ज्ञान के लिए प्रबुद्ध करने वाले और अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए हंस वाहिनी की आराधना करते हैं। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की तिथि। पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है। अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि 14 फरवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त। 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5:35 तक का समय है। बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने, उसके बाद माँ सरस्वती की पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहना दें। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। इस दिन सरस्वती माता को गेंदे के फूलों की मालाएं पहनाएं, साथ ही पीले रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्रों से माँ सरस्वती की पूजा करें। आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें, फिर अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती की आरती करें। बसंत पंचमी के दिन आइए अब बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। बसंत पंचमी के दिन पितृ तर्पण भी किया जाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी है। बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सुबह की शुरुआत हथेलियों को देखकर करनी चाहिए। हथेली देखकर माँ सरस्वती का ध्यान लगाना चाहिए। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन जिन बच्चों में हकलाने व तुतलाने की समस्या हो, उन्हें एक बांसुरी के छेद से शहद भरे और मोम से बांसुरी को बंद कर दें। इसके बाद बांसुरी को जमीन में गाड़ दें। संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र इस दिन पहनने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी को अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों को भी काटने से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले शंख ध्वनि के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।